अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो अमूमन पाई जाती है पेशेंट्स में। क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है? सबसे पहले तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमें ब्लीडिंग गम्स हो रही है, यानी कि मसूरों में से खून निकल रहा है। मसूरों में खून निकलने की वजह ये होती है अमूमन कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब काफ़ी इन्फेक्टेड गम्स हो जाते हैं, उसकी वजह से मसूरों में से खून निकलता है, जिसके लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप स्केलिंग करवा लें या अपनी ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देते जिससे उनकी इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंडली पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांत पीले हो रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि लोग कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं या फिर पान छालियाँ वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से दांतों में स्टेन्स हो जाती है, तो उसके लिए हम टीथ वाइटनिंग प्रिफर करते हैं कि टीथ वाइटनिंग पे आप चले जाएँ। थर्डली पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब पेन बहुत हो रहा है मुझे, दांतों में पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं। दांतों के पेन में कंप्लेन में दो वजूहत होती है। पहले तो ये होता है कि मसूरों में अगर दर्द हो रहा हो तो हम उसके लिए स्केलिंग करते हैं, लेकिन अगर दांत में दर्द हो रहा है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स तो कंडीशन देख के हम फिलिंग एडवाइस करते हैं या तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पर जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूट। पेशेंट आते हैं मिसिंग टीथ के साथ कि हम चबाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो मिसिंग टीथ में हम ये करते हैं कि हम ऑप्शन देते हैं, या तो आप ब्रिज पर जा सकते हैं या इम्प्लांट्स पर जा सकते। फिफ्थ ऑप्शन के पेशेंट आते हैं कि तेरे मुरे दांत हैं, मेल अलाइन टीथ कहते हैं, उसके लिए हम ये प्रेफर करते हैं कि आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जाओ ताकि उनकी एस्थेटिकली अच्छा हो, वो अच्छे से स्माइल कर सके। ये है हमारे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ की शिकायत है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।